राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने जो एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया, जिसकी 44 पीढ़ियां तक अस्तित्व बरकरार रहा, वो कैसे उजड़ गए? भारत के हर मनुष्य के दिमाग में ये सवाल उठता रहा है। 1527 से 1528 में बाबर के आदेश से तोड़ा गया अयोध्या का राम मंदिर कैसा दिखता होगा और प्राचीन राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर रस्तोगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन साइंटिफिक में। दोस्तों, तमाम ऐसे सवालों का जवाब हम देंगे जो राम मंदिर से दशकों से जुड़ी रही और अभी तक आपको ना ही इन सवालों का जवाब कोई दिया और ना ही मिला, तो आइए जानते हैं। तो नारद जी ने वाल्मीकि से कहा था, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत सिर उठाए खड़े रहेगी, कल कल ध्वनियां करती नदियां बहती रहेगी, राम का नाम मनुष्य द्वारा श्रद्धा पूर्वक लिया जाएगा। इसलिए अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर बाबर के समय 15वीं शताब्दी में भी था, लेकिन हिंदुओं का मानना यह है कि राम मंदिर को बाबर के आदेश पर तोड़ा गया, इसलिए राम जन्मभूमि पे जो मस्जिद बनी उसे बाबरी मस्जिद बोला जाने लगा। लेकिन अगर बाबर के लिखे किताब बाबरनामा की माने तो उसमें साफ साफ कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि मैंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। बाबर के लिखे पुस्तक बाबरनामा के अनुसार इस्लाम बाबर से पहले ही हिंदुस्तान में पहुंच चुका था। और हैरान करने वाली एक बात और है, बाबर आगरा की गद्दी पे बैठा था, जहां से कृष्ण की नगरी गोकुल नजदीक पड़ती है, तो पहले वो वहां जाता, अयोध्या क्यों जाता? बाबर के अनुसार अयोध्या का मंदिर इब्राहिम लोदी ने तोड़वाया था और अंग्रेज ने साजिश रची और उस मस्जिद को नाम बाबरी दे दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम के एकता को तोड़ा जा सके। वह मस्जिद का निर्माण होने के बावजूद भी लोगों की आस्था भगवान राम में कम नहीं हुई और सभी अयोध्या वासी हिंदू मस्जिद के सामने ही माथा टेकने लगे। और कई दशकों के बाद हिंदुओं ने 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिरा दिया। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थकारों में से 5 तीर्थकार का जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार रामचंद्र जी का जन्म इसी भूमि पर हुआ, जहाँ 5 अगस्त को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। जैसा कि शोध के अनुसार पता चला, भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका उल्लेख 800 वर्षों तक मिलता। कहा जाता है भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद इनकी 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा, लेकिन लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजकुमार साल हुए, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े और वे मारे गए। इसके बाद अयोध्या उजड़ गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। इस राम जन्मभूमि पर पहला मंदिर बनाने वाला पुष्यमित्र सोम था, जिन्होंने अयोध्या में कई देवी देवताओं की मंदिर बनवाया। वे राम से इतना प्रभावित थे कि उसने राम की तरह अश्वमेध यज्ञ करवाया। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत सारे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म सबसे बड़े पैमाने पे आगे निकल रहा था। और श्रावस्ती में बहुत सारे मठ थे, कुछ मठ राम जन्मभूमि के पास बने थे, जैसा पुष्यमित्र सुंग ने तुड़वा दिया या उस मठ पे मंदिर बनवा दिया, इसलिए राम जन्मभूमि की खुदाई में साकेत के अवशेष मिले हैं। राम मंदिर में समय समय पर धीरे धीरे बदलाव किया गया और 10वीं शताब्दी में इसे बहुत भव्य बनाया गया, जैसा आप इस एनिमेशन फोटो में देख सकते हैं। और आप जैसा कि इस फोटो में मंदिर के अंदर का दृश्य को देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो पिलर दिख रहा है वो पुष्यमित्र सुंग ने बनवाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बनाए गए सारे हिंदू मंदिरों में जो पिलर मिले हैं उसमें घोड़ा और गाय देवी देवताओं के चित्र बने दिखते हैं, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग ने गौ पूजा पे ज्यादा जोर डाला था। जब बाबर ने राम मंदिर तोड़वाया तो उसके पास इतना समय नहीं था कि वो फिर से नींव डालकर मस्जिद बनवाए, क्योंकि वो बहुत सारे हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी थी, इसलिए उन्होंने नीचे का ढांचा और मंदिर
का जो पिलर था वो रहने दिया और ऊपर से शीर्ष को तोड़कर और चबूतरा जो था उसे तोड़ दिया गया और उसमें कुछ बदलाव करके राम मंदिर को एक मस्जिद का रूप दे दिया गया, जैसा कि आप इस स्केच में देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को ईशा रस्तोगी की तरफ से थैंक यू।